हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम सितंबर सेकंड वीक के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। सितंबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं और डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स हम आप सबके लिए लाते ही हैं, तो आप डेली 7 AM इन्हें देख सकते हैं। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। थर्ड फेज ऑफ बैक टू विलेज प्रोग्राम हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रेस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। भारत सरकार द्वारा बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के संबंध में की गई है। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज यानी गांव की ओर का ये थर्ड फेज 2 से 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत करीब 4000 से ज्यादा सिविल सर्वेंट्स गांव का रुख करेंगे और शिकायतों को दूर करने पर ध्यान देंगे। इस प्रोग्राम का मकसद ग्रामीणों को उनके द्वार पर ही प्रशासन उपलब्ध कराने व ग्रामीण इलाकों के विकास को गति देना है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था। इसकी समर कैपिटल है श्रीनगर एंड विंटर कैपिटल है जम्मू। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर एक और कारण से न्यूज में रहा। यूनियन कैबिनेट ने कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी को जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने वाला बिल पास किया है। अब तक केवल उर्दू ही जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द स्वयं स्कीम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 2 लाख यूथ्स ऑफ द स्टेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। असम राज्य ने लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है। स्वयं का मतलब है स्वामी विवेकानंदा असम यूथ इंपावरमेंट, ठीक है। इसके तहत असम गवर्नमेंट जो स्टार्टअप्स हैं उनको 50,000 रुपीज की सीड मनी प्रोवाइड करेगी। फ्रेंड्स, सीड मनी का मतलब होता है किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए की गई इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। असम के सीएम है सर्वानंद सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम की कैपिटल है दिसपुर। असम को लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स भी कहा जाता है। इस तरह के फैक्ट्स आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। असम जिन स्टेट्स और कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार हैं: भूटान, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क असम में ही लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द एनसीआरबी 2019 डेटा विच स्टेट विटनेस्ड द मैक्सिमम डेथ्स ड्यू टू कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। एनसीआरबी 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में ढह गई संरचनाओं के कारण सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है। देखिए, एनसीआरबी का मतलब यहां पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से है। उत्तर प्रदेश में 349 और उसके बाद महाराष्ट्र में 348 डेथ्स जो हुई हैं वो कोलैप्स स्ट्रक्चर की वजह से हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बैंड ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन जुए के खेल पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस तरह के ऑनलाइन गेम्स के ऑर्गेनाइजर्स के लिए 1 साल जेल की सजा भी निर्धारित की गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। फ्रेंड्स, इंडिया में गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। 1 अक्टूबर 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला ये पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। 7 सितंबर को ब्लू स्काईज के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को मनाने की घोषणा 19 दिसंबर 2019 में की थी और 7 सितंबर 2020 को यह पहली बार मनाया गया है, ठीक है। और इस वेबिनार को हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने चेयर किया। बाबुल सुप्रियो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। फ्रेंड्स, प्रकाश जावड़ेकर जी के पास 3 मंत्रालय हैं। ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी हैं, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी इन्हीं के पास है और थर्ड है मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। इंडिया ने 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज प्लेस्ड टू डोनेट हिज आईज।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनी स्वामी ने अपनी आईज डोनेट करने का संकल्प लिया है। ठीक है, आईज डोनेशन से जुड़ी कुछ जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स। केवल कॉर्नियल ब्लाइंड ही आईज डोनेशन का फायदा ले सकते हैं। जिन लोगों में कॉर्नियल ब्लाइंड है उन्हीं पर यह एप्लीकेबल होता है आई डोनेशन। ठीक है, और कॉर्निया हमारी आईज के फ्रंट को कवर करने वाला एक क्लियर टिश्यू होता है। ये आई का फोकसिंग एलिमेंट होता है। अगर कॉर्निया क्लाउडी हो जाए तो साफ देखने में दिक्कत होती है। फर्स्ट कॉर्नियल ट्रांसप्लांट 1905 में किया गया था। जो लोग चश्मा लगाते हैं या डायबिटीज के पेशेंट हैं या हाई ब्लड प्रेशर रहता है, अस्थमा पेशेंट हैं, ये सब भी आईज डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी और टिटनस, ये सब रोगी जो होते हैं ये आई डोनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेट अम्बेसडर ऑफ द SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर। ड्वेन ब्रावो SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड का पहला क्रिकेट अम्बेसडर बन गए हैं। ये वेस्ट इंडीज क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर हैज बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट आफ्टर विराट कोहली टू 2000 T20 रन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन। एरोन फिंच T20 में विराट कोहली के बाद सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और इन्होंने 62nd इनिंग में ये अचीवमेंट प्राप्त की है। विच स्टेट हैज रिलीज्ड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर। तमिलनाडु राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण नीति 2020 जारी की है। इस पॉलिसी का एम देश के टोटल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एक्सपोर्ट में 25% कंट्रीब्यूट करना रहेगा। 2025 तक $100 बिलियन तक के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड मैन्युफैक्चरिंग करना भी इस पॉलिसी का एक उद्देश्य है। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द 35th सेशन ऑफ द FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। भूटान ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के FAO क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र की मेजबानी की है। फ्रेंड्स, FAO का हेडक्वार्टर है रोम में। ठीक है, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं कू डोंगयू। ये विभिन्न देशों में जहां पर भुखमरी की प्रॉब्लम आती है वहां पर अपनी सहायता प्रदान करता है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने इंडिया की तरफ से इस मीटिंग में भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेटर यान बेल हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच कंट्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। क्रिकेटर यान बेल जिन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है वे इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन। अनिल जैन अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल हैं अनिल धूपर और ट्रेजरर रोहित राजपाल। ठीक है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल प्रेसिडेंट ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन भारत में टेनिस की गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, 1920 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनाउंस्ड विलिमिंगटन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड हेरिटेज सिटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री। ठीक है, यहां पर ये ऑप्शन थ्री है, ये थोड़ा ऊपर हो गया, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। ऑप्शन थ्री यहां पर सही है, पोटस। फ्रेंड्स, अमेरिकन प्रेसिडेंट को पोटस भी कहते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कई बार मीडिया में केवल पोटस लिखा आता है, इसलिए हमने ऑप्शन में पोटस लिखा है ताकि आप ये बात जान पाए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम विल्मिंगटन में शिप बिल्डिंग कंपनी लोकेटेड थी, जिसने इमरजेंसी के समय शिप बिल्डिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट विल बी सेट अप इन विच सिटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन। जम्मू शहर में पहली कैनबीज दवा परियोजना स्थापित की जाएगी और इसमें हम कनाडा की सहायता लेंगे। ठीक है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिंग मेडिसिन जो कि जम्मू में है, यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। अगर और प्रोजेक्ट देखें हम तो इंडिया का फर्स्ट बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क भी
कठुआ जो कि जम्मू में है, यहाँ पर अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि चिनाब पर है, इसका भी कार्य अब शुरू होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, जितेंद्र सिंह के पास कई डिपार्टमेंट हैं। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पीएमओ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सभी इन्हीं के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 पियरे गस्ली ने जीता है। ये एक फ्रेंच रेसिंग ड्राइवर है जो कि स्क्यूडेरिया अल्फा के लिए रेसिंग करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज फ्रॉम वेयर इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षण रेंज जहां से भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया, उड़ीसा राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, हमारे देश ने एपीजे अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज जिसे व्हीलर आइलैंड भी कहा जाता है, यहां से हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का इस्तेमाल कर एक मिसाइल लॉन्च की जिसने वायुमंडल में जाकर Mach 6 तक की स्पीड हासिल कर ली। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले ये तकनीक यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना ने भी सक्सेसफुली टेस्ट की हुई है। फ्रेंड्स, सुपरसोनिक का मतलब होता है साउंड की स्पीड से तेज यानी Mach 1, और हाइपरसोनिक का मतलब होता है सुपरसोनिक से कम 5 गुना ज्यादा की गति। इसकी गति को Mach 5 कहते हैं यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा की स्पीड। हाइपरसोनिक स्पीड इतनी तेज गति होती है कि हवा में मौजूद अणु के मोलिक्यूल्स भी टूटकर बिखरने लगते हैं। ये व्हीकल पहले आसमान में 30 किलोमीटर तक ऊपर गया और फिर उसने Mach 6 की स्पीड पकड़ी। अब जानते हैं स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या है। न्यूटन द्वारा दिए गए गति के तीसरे सिद्धांत का हम सभी को मालूम है कि प्रत्येक जो क्रिया के बदले हमेशा और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इसका मतलब रॉकेट के अंदर जब फ्यूल जलाया जाता है और उसकी गैस बाहर निकलती है तो इसकी प्रतिक्रिया की वजह से व्हीकल को एक तेज धक्का लगता है जिसे जेट प्रोपल्शन कहते हैं। स्क्रैमजेट टेक्निक में रॉकेट वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है और अपनी स्पीड बढ़ाता है, लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल केवल वायुमंडल के अंदर हो सकता है। अगर रॉकेट वायुमंडल से बाहर निकल जाए तो ये टेक्निक फेल होने के आसार ज्यादा रहते हैं। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का यूज रॉकेट और मिसाइल दोनों में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेनिस प्लेयर हैज बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द यूएस ओपन 2020 फॉर हिटिंग अ लाइन जज विद अ टेनिस बॉल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, नोवाक जोकोविच को टेनिस गेंद से लाइन जज को हिट करने के लिए यूएस ओपन 2020 से अयोग्य घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। वर्तमान में ये नंबर 1 पोजीशन पर हैं। 17 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन्होंने अभी तक जीते हैं। यूएस ओपन के मैच के दौरान इन्होंने गुस्से में बॉल को अपने पीछे की साइड हिट किया जो कि लाइन जज को जा लगी। हालांकि ये पूरा एक्ट इंटेंशनली था, इसलिए इन्हें डिस्क्वालिफाई किया गया है, वरना मैच से भी ये बैन हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभिमान अचल रीजन हैज रिसेंटली बीन इन द न्यूज, इन विच स्टेट दिस रीजन लाइज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, स्वाभिमान अचल क्षेत्र हाल ही में खबरों में रहा है। यह क्षेत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, स्वाभिमान अचल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर माओवादी ग्रसित इलाका है। यहाँ पहली बार मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है। बालीमेला रिजर्वायर भी इसी रीजन में आता है। उड़ीसा जिन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है वे हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, जुलाई महीने में भी ये रीजन चर्चा में था क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से पहली बार बस सर्विस यहाँ पर चलाई गई है। ठीक है, तो 2 कारण आपको मिल गए, इसलिए ये रीजन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड बाय अ ब्रिटिश मैगजीन एज द टॉप वर्ल्ड थिंकर फॉर कोविड 19?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। के शैलजा को ब्रिटिश पत्रिका ने COVID-19 के लिए शीर्ष विश्व विचारक के रूप में नामित किया है। देखिए, के शैलजा केरल राज्य की हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं। जब कोरोना केसेस चाइना में डिटेक्ट किए गए थे, तभी इन्होंने केरल राज्य के लिए WHO से कई जानकारियां जुटाई थी ताकि समय पर कोरोना से बचाव हो सके। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर न्यूजीलैंड की PM जेसिंडा एंड बांग्लादेश की आर्किटेक्ट मेरिन तबस्सुम थर्ड नंबर पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द NCERB 2019 डेटा, विच स्टेट विटनेस्ड द हाइएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू फोर्सेज ऑफ नेचर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन। NCERB 2019 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में प्रकृति की ताकतों के कारण सबसे अधिक मौतें हुई हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, आंकड़े भी देख सकते हैं। 1521 मौतें 2019 में इसके कारण हुई है, फोर्सेज ऑफ नेचर के कारण। दूसरे नंबर पर उड़ीसा है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। फोर्स ऑफ नेचर में क्या क्या आता है? नेचुरल कैलेमिटीज, एवलेंचेस, साइक्लोन्स, टोर्नेडोज, सुनामीज, अर्थक्वेक्स, एपिडेमिक्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, लाइटनिंग, फॉरेस्ट फायर्स, और भी कई चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेकेज ऑफ अ जर्मन वॉरशिप दैट वॉज स्ट्रक बाय अ ब्रिटिश टोरपेडो इन 1940 हैज बीन डिस्कवर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कंट्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन। 1940 में एक ब्रिटिश टॉर्पीडो द्वारा मारे गए जर्मन युद्धपोत के मलबे को नॉर्वे देश के तट पर खोजा गया है। फ्रेंड्स, इस वॉरशिप को 1927 में लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम जर्मनी ने इस वॉरशिप का यूज करके क्रिश्चियन सेंट पोर्ट को अटैक किया था, जो कि नॉर्वे का एक पोर्ट है। ठीक है, और बदले में ब्रिटेन ने इस वॉरशिप को डुबा दिया था। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो और यहां की करेंसी है नॉर्वेन क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिलीज द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकुमार श्रीवास्तवा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर। राजकुमार श्रीवास्तव को रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया की कैपिटल है जगरेब और यहाँ की करेंसी है कूना। और क्रोशिया जो है ये किन किन कंट्रीज को बॉर्डर करता है? स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया एंड ये हर्जेगोविना एंड मोंटेगेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लॉन्च द स्पैरो सिस्टम फॉर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। देखिए, मनोज सिन्हा जी ने जम्मू एंड कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए स्पैरो प्रणाली का शुभारंभ किया है। ठीक है, और आपको पता होगा मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के। इस पोर्टल के थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट्स ये सबमिट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस सर्वे विच स्टेट्स लिटरेसी रेट इज द वर्स्ट अमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर। देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सर्वेक्षण पर आधारित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी राज्यों में आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर सबसे कम पाई गई है। ठीक है, और सबसे अच्छी जिनमें लिटरेसी रेट पाया गया है वो केरला है। आपको पता है कई सालों से केरला ही रहा है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, तीसरे पर उत्तराखंड। ठीक है, और सबसे नीचे जो स्टेट्स हैं वो आंध्र प्रदेश, जैसा कि बताया 66.4%, फिर इसके बाद राजस्थान 69.7% पर, और फिर तीसरे नंबर पर बिहार 70.9%। और अगर ओवरऑल लिटरेसी रेट देखा जाए तो वो है 77.7%। रूरल एरियाज में लिटरेसी रेट है 73.5%, जो कि काफ़ी कम है अगर कंपेयर किया जाए अर्बन एरियाज के, जिसमें कि 87.7% है। मेल लिटरेसी है 84.7% और जो वुमेन लिटरेसी रेट है वो है 70.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मास्क एटीएम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। मास्क एटीएम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक एटीएम बनाया गया है, उसमें आप 5 रुपीज कॉइन डालोगे तो एक मास्क निकलकर बाहर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम रहा है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। यूनेस्को ने सबसे पहले इंटरनेशनल लिटरेसी डे घोषित किया था 1966 में और फर्स्ट इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया 8 सितंबर 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इंस्टॉल राइस एटीएम्स फॉर राशन कार्ड होल्डर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। कर्नाटक राज्य ने राशन कार्ड धारकों के लिए चावल एटीएम स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा कर्नाटक ने इससे पहले वाटर एटीएम भी लॉन्च किया था। कर्नाटक सरकार की एक फ्री राइस स्कीम भी है, अन्न भाग्य। ठीक है, ये नाम आप याद रखना, इस स्कीम से भी पूछ सकते हैं कि किस स्टेट से रिलेटेड है। कर्नाटक के सीएम है बीएस येदुरप्पा, यहाँ के गवर्नर है वाजुभाई वाला और कैपिटल है कर्नाटक की बेंगलुरु। विच कंट्री हैज एक्सेप्टेड इंडियाज रिक्वेस्ट ऑफ नॉट सप्लाइंग आर्म्स टू पाकिस्तान? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। रशिया ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करने के भारत के अनुरोध को स्वीकार किया है। फ्रेंड्स, हाल ही में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट मॉस्को रशिया में संपन्न हुई। इसी मीट के दौरान रशिया ने ये बात दोहराई कि वह पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा। रशिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी इसका क्षेत्र एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। इसका कुछ हिस्सा यूरोप एंड कुछ हिस्सा एशिया में है। रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिखेल मिस्तुइन और यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल और SCO का हेडक्वार्टर्स है बीजिंग इन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कन्फर्ड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज ऑन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश प्रसारक डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में किया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं और इसमें 25 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है, यानी मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड बैंक हैज कैंसल्ड फंडिंग फॉर बिसरी डैम। द डैम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। विश्व बैंक ने बिसरी बांध के लिए फंडिंग को रद्द कर दिया है। यह बांध लेबनान देश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, वर्ल्ड बैंक लेबनान के बिसरी डैम में $224 बिलियन की फंडिंग करने वाला था, जिसे कि अब वर्ल्ड बैंक ने रद्द कर दिया है क्योंकि लेबनान गवर्नमेंट ने रिक्वायर्ड प्री कंडीशंस पूरी नहीं की हैं। यहाँ पर इस डैम का विरोध स्थानीय लोगों द्वारा भी हो रहा है, जिनका यह मानना है कि यह डैम आसपास के परिदृश्य को नष्ट कर देगा। आपको मालूम होगा, लेबनान की राजधानी बेरूत में हाल ही में एक विस्फोट हुआ था जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी और लाखों बेघर हो गए थे। उसी के चलते यहाँ के PM हसन दायब तथा पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था और अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अदीब बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु संजीवनी एम्बुलेंस सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। पशु संजीवनी एम्बुलेंस सेवा मैसूर शहर में शुरू की गई है। यह अत्याधुनिक एम्बुलेंस पशुधन का इलाज करने के लिए किसानों के घर जाकर अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी। 1962 टोल फ्री हेल्पलाइन यूज करके भी फार्मर्स इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज बीन नेम्ड द बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड बाय न्यूयॉर्क बेस्ड फाइनेंशियल पब्लिकेशन ग्लोबल फाइनेंस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2।
न्यूयॉर्क स्थित वित्तीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीबीएस बैंक को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। डीबीएस बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स है सिंगापुर में और इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 इंडियाज मिशन टू मून इज लाइकली टू बी लॉन्च्ड इन विच ईयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा पर भारत का मिशन है, ये 2021 में लॉन्च होने की संभावना है। फ्रेंड्स, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसका मकसद चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना था। हालांकि जो विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग के कारण ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं हो सका। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान 3 2021 में लॉन्च होगा। इसमें लैंडर एंड रोवर इंक्लूड रहेंगे। ऑर्बिटर इस मिशन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सही तरीके से काम कर रहा है। और चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजा कैंपबेल विल बी द फर्स्ट वुमन टू लीड विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। लीजा कैंपबेल कनाडा देश की अंतरिक्ष एजेंसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिस ट्रेडू और यहाँ की कैपिटल है ओटावा। कनाडा एक मून मिशन पर भी काम कर रहा है, जिसका नाम है लूनर गेटवे प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में और भी कंट्रीज शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स हैज साइंड MOU विद विच IIT फॉर कोलैबोरेशन इन बिल्डिंग असेसिबल सेफ एंड इंक्लूसिव इंडियन सिटीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सुलभ, सुरक्षित और समावेशी भारतीय शहरों के निर्माण में सहयोग के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और IIT रुड़की जो है, इसको थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग भी कहा जाता था। सबसे पहले यही इसका नाम था, उसके बाद IIT रुड़की का नाम इसको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर पीस फाउंडेशन हैज पार्टनर्ड विद विच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर सेफ्टी अमंग स्टूडेंट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। साइबर स्पेस फाउंडेशन ने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा पर जागरूकता पैदा करने के लिए व्हाट्सएप के साथ साझेदारी की है। फ्रेंड्स, इस पार्टनरशिप का मेन मकसद पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सेफ्टी के टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाना रहेगा। अगर व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप की ओनर कौन है? फेसबुक। और व्हाट्सएप की जो कोडिंग लैंग्वेज है वो है एरलॉन्ग। और जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है साइबर पीस फाउंडेशन, ये फिलहाल अपने शुरुआती चरणों में 5 राज्यों में, यानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड महाराष्ट्र में लॉन्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन व्हाट परसेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स आर फुली इम्यूनाइज्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के 59.2% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया है। ठीक है, देखिए ये जो इन्होंने रिपोर्ट लॉन्च की है, इसका नाम है हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट। इसमें इनका कहना है कि केवल जो दो बच्चे, 5 में से 2 बच्चे अपना फुल इम्यूनाइजेशन नहीं कराते हैं। मतलब जितने भी इम्यूनाइजेशन करने के जो टीके होते हैं, 5 में से 2 बच्चे उनमें से नहीं कराते हैं, केवल 3 ही कंप्लीट कर पाते हैं। और अगर फुल इम्यूनाइजेशन की बात की जाए तो मणिपुर इसमें सबसे टॉप पर स्टेट है। मतलब यहाँ पर सभी अपना टीकाकरण करा लेते हैं, हाईएस्ट स्टेट है यहाँ पर 75% का। ठीक है, और इंडिया में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 में शुरू हुआ था। 1985 में इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से शुरू किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में कब शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। रमेश पोखरियाल निशंक ने मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो को लॉन्च किया है। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ठीक है, और इस ऐप को डेवलप किया है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नीना मल्होत्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री।
जी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इटली की कैपिटल है रोम, यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ का एक शहर है वेनिस जिसे कहते हैं सिटी ऑफ कैनाल्स। ये आपको स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में इटली में है, जिनकी संख्या 55 है, यानी 55 ऐसी साइट्स हैं इटली में जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है। इटली जिन कंट्रीज से बॉर्डर साझा करता है वे इस प्रकार हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, वेटिकन सिटी एंड सैन मैरिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनरतिया अल्बा इज डिक्लेयर्ड द स्टेट मैनग्रोव ट्री ऑफ विच इंडियन स्टेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, सोनरतिया अल्बा महाराष्ट्र राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, राजकीय वृक्ष जो मैनग्रोव ट्री है ये घोषित किया गया है। यहाँ से आप हिंदी में ज़्यादा गौर मत फरमाइएगा, मैनग्रोव ट्री। ठीक है, देखिए जो ये सोनरतिया अल्बा है ये लिथ्रेसिया फैमिली का एक मैनग्रोव ट्री है। ठीक है, और इससे पहले महाराष्ट्र में अगर देखें तो यहाँ का स्टेट ट्री मैंगो है, स्टेट एनिमल जायंट स्क्विरल है और स्टेट बर्ड है ग्रीन पीजन, स्टेट बटरफ्लाई है ब्लू मोरमन और स्टेट फ्लावर है जरू। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ब्लू मोरमन किस स्टेट की बटरफ्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जया प्रकाश रेड्डी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच फिल्म इंडस्ट्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, जया प्रकाश रेड्डी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे तेलुगु फिल्म उद्योग से जुड़े हुए थे। काफ़ी फेमस ये एक्टर रहे हैं, तेलुगु फिल्म में इन्होंने काम किया है। ठीक है, कॉमिक रोल ये किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रियल मैंगो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, रियल मैंगो एक सॉफ्टवेयर है। देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कुछ दलालों का भंडाफोड़ किया है जो गैरकानूनी सॉफ्टवेयर रियल मैंगो की मदद से कोरोना महामारी के दौरान कंफर्म टिकट बुक करते थे। ये रियल मैंगो सॉफ्टवेयर V3 एंड V2 कैप्चा को बायपास करता था, बैंक OTP को भी सिंक्रोनाइज करता था और जरूरी फॉर्म में ऑटोमेटिक तरीके से डिटेल्स फिल कर देता था। इस सिस्टम के एडमिन को जो पेमेंट मिलती थी वो बिटकॉइन के थ्रू मिलती थी। अब इसका भंडाफोड़ हो चुका है। ठीक है, विच वेटरन एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद पर इनका कार्यकाल 4 वर्षों का रहेगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में स्थित है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। संगीत नाटक एकेडमी द्वारा इसे 1959 में सेटअप किया गया। 1975 से ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड असोल चीनी और रियल शुगर टू फाइट फेक इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पर फर्जी जानकारी से लड़ने के लिए असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है। फेक न्यूज़ को डिटेक्ट और लोगों को इससे अवेयर करने के लिए बांग्लादेश ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिसका नाम है darbar21.org। बांग्लादेश की PM है शेख हसीना और यहाँ के प्रेजिडेंट हैं अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की पार्लियामेंट को कहते हैं जातीय संसद। यहाँ की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश जिन 5 भारतीय राज्यों से बॉर्डर साझा करता है वे इस प्रकार हैं, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड अ 500 मिलियन US डॉलर लोन विद विच बैंक फॉर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, भारत ने दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा होगा जो कि दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम के बीच की दूरी तय करेगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है।
न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स संघाई चाइना में है, इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स मंडलुयोंग फिलीपींस में है, या मनीला में भी आप कह सकते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज डिफेंस मिनिस्टर अटेंडेड द ऑफिशियल इंडक्शन सेरेमनी ऑफ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट एट एयरफोर्स स्टेशन अंबाला। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, वायुसेना स्टेशन अंबाला में राफेल लड़ाकू विमान के आधिकारिक अधिष्ठापन समारोह में फ्रांस देश के रक्षा मंत्री ने भाग लिया। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने राफेल फाइटर जेट इंडक्शन सेरेमनी को अटेंड किया। ये इंडक्शन हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया। 2016 में भारत ने फ्रांस से लगभग 60,000 करोड़ की डील 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने के लिए की थी। राफेल को 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो इसमें इंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द एस्टिमेट्स रिलीज्ड बाय द यूनिसेफ, व्हाट वाज द इंडियाज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इन 2019? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, यूनिसेफ द्वारा जारी किए गए अनुमानों के अनुसार 2019 में भारत की निम्न 5 मृत्यु दर 34 थी। यूनिसेफ की इस रिपोर्ट का नाम है लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2019। इसके अनुसार भारत की अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 2019 में 34 रही, जबकि ये दर 1990 में 126 थी। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1000 बच्चों में से वे बच्चे जिनकी 5 साल की एज पूरी होने से पहले ही मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द फर्स्ट इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, पहले भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने किया। इंडिया फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया की यह पहली ट्राइलेटरल डायलॉग मीट थी। भारत की ओर से विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलाउड विच रिलीजियस श्राइन टू रिसीव फॉरेन फंडिंग अंडर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, केंद्र सरकार ने हरमंदिर साहिब तीर्थ स्थल को विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 2010 के तहत विदेशी धन प्राप्त करने की अनुमति दी है। FCRA एक्ट 19 अगस्त 2010 में पास हुआ था, जो कि इंडिया में फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करता है। फ्रेंड्स, श्री हरमिंदर साहिब को गोल्डन टेंपल भी कहते हैं, ये अमृतसर में है। अमृतसर की स्थापना सिख गुरु रामदास जी ने की थी, साथ ही गोल्डन टेंपल का कंस्ट्रक्शन भी इन्हीं के द्वारा शुरू कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम DRDO ने विकसित किया है। ये P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम IL-76 विमान से 7 टन भार वर्ग तक के सैन्य सामान को गिराने में सक्षम है। ये पूरी तरह भारत में बनाया गया है। DRDO का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, और DRDO की फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये 1958 में स्थापित किया गया। पूरे इंडिया में DRDO की 52 लैब्स हैं। ये क्वेश्चन कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, और DRDO का जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, और DRDO के चीफ हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, गोविंद स्वरूप जी को भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ऊटी रेडियो टेलीस्कोप एंड जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप बनाने के काम को लीड किया था। ये पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के फाउंडिंग डायरेक्टर भी थे। 1973 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। 1972 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हेल्ड इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक मॉस्को शहर में आयोजित की गई। ठीक है, देखिए
इसमें भारत को जो भारत के विदेश मंत्री यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इसमें हिस्सा लिया, ठीक है। और SCO की स्थापना 2001 में चाइना के संघाई शहर में रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। 2005 में भारत और पाकिस्तान को SCO के ऑब्जर्वर मेंबर बनाया गया था। साल 2017 में दोनों देश SCO के फुल मेंबर्स बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल चेयर 3-member एक्सपर्ट कमिटी टू असिस्ट इन द असेसमेंट ऑफ रिलीफ टू बैंक बोरोवर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। बैंक उधारकर्ताओं को राहत के आकलन में सहायता के लिए 3-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता राजीव महर्षि करेंगे, और इसमें 2 और मेंबर्स होंगे जिनका नाम है रविंद्र एच ढोलकिया और बी श्रीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप संस्कृत ग्राम्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। उत्तराखंड राज्य सरकार ने संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। देखिए, उत्तराखंड की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्या, और यहाँ की कैपिटल है देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है, और गैरसैंण यहाँ की समर कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल 800,000 लोग पूरे विश्व में सुसाइड द्वारा अपनी जान गंवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग द कुकून एट 40। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ब्रेकिंग द कुकून एट 40 के लेखिका राधा नायर हैं, ठीक है। और नीचे आपको 2 बुक्स और दी गई हैं, ये भी हाल ही में रिलीज हुई हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। वैन लव केम कॉलिंग, इसे लिखा है प्रीति शेनॉय ने। 1 अरेंज्ड मर्डर, इसे लिखा है चेतन भगत ने। विच स्टेट लॉन्च्ड आपका मित्र एजुकेशनल व्हाट्सएप चैट बॉक्स फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। हरियाणा राज्य ने अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉक्स लॉन्च किया है, और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हु लॉन्च्ड सरोत पोर्ट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। मनसुख मांडविया जी ने सरोत पोर्ट्स को लॉन्च किया है। देखिए, मनसुख मांडविया के पास 2 चार्जेस हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज है, और दूसरा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। सरोत पोर्ट्स इस्टेब्लिश करने के मुख्यतः 2 लक्ष्य हैं। पहला, मैरिटाइम डिस्प्यूट्स या विवाद जल्द से जल्द रिजोल्व करना। दूसरा, इन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स का पैनल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 36th FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इन 2022। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। 2022 में बांग्लादेश FAO क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस बार 2020 की एशिया एंड पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भूटान ने की है। फर्स्ट एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस 1953 में बेंगलुरु में हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस 2 साल में एक बार बुलाई जाती है, जिसमें कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स पार्ट लेते हैं। 2022 एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। फ्रेंड्स, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ नेशन कहते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश की PM है शेख हसीना, यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका। जो स्टेट्स, भारतीय स्टेट्स बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं वे हैं आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। टोटल 5 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज गोइंग टू सेट अप अ बल्क ड्रग पार्क एट गोपालपुर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। उड़ीसा गोपालपुर में एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित करेगा। देखिए, मेडिसिंस बनाने के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल चाहिए होता है उसे बल्क ड्रग्स कहते हैं।
भारत में 3 बल्क ड्रग एंड 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनेंगे। इस स्कीम की गाइडलाइंस डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने जारी की हुई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है। मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं DV सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री चेयर्ड द 73rd सेशन ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। थाईलैंड ने WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की अध्यक्षता की। थाईलैंड को सियाम भी कहते थे। इसकी कैपिटल बैंकॉक है। यहाँ की करेंसी है थाई बाट। भारत की ओर से स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज डिक्लेयर्ड द बेस्ट परफॉर्मर इन स्टेट स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। स्टेट स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019 में गुजरात राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता घोषित किया गया है। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसी ने ये जो रैंकिंग है ये लॉन्च की है, ठीक है। और इसमें जो है 30 एक्शन पॉइंट्स एंड 7 पिलर्स को आधार बनाया गया है। इस रैंकिंग को मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी पीयूष गोयल ने रिलीज किया है। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अगर रैंकिंग की बात की जाए तो बेस्ट परफॉर्मर्स में गुजरात नंबर 1 पर है स्टेट्स के मामले में, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नंबर 1 पर हैं। टॉप परफॉर्मर्स में कर्नाटका एंड केरला, लीडर्स कैटेगरी में बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एंड चंडीगढ़, एस्पायरिंग लीडर्स की कैटेगरी में हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना एंड उत्तराखंड, एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम की कैटेगरी में है आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ई गोपाला ऐप इन बिहार? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में ई गोपाला ऐप को वर्चुअली लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा पशुओं के रोग और उनके उपचार के बारे में जानकारी हासिल प्राप्त की जा सकती है। साथ ही किसान अपने सभी पुराने और नए पशुओं की जानकारी भी ले सकते हैं। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, फिर इसमें रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा। इस ऐप की सहायता से किसानों को अपने पशुओं के टीकाकरण की तारीखों के बारे में जानकारी भी मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक टॉप्ड ईज 2.0 इंडेक्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ईज 2.0 इंडेक्स में टॉप किया है। देखिए, ईज का मतलब है इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ये इंडेक्स 2018 में शुरू किया गया था। इसका मकसद बैंक्स को उनकी स्मार्ट बैंकिंग एंड सर्विसेज के आधार पर रैंक करना है। स्मार्ट बैंकिंग का मतलब है कि कस्टमर्स को कॉल सेंटर्स, वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप द्वारा बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। इस इंडेक्स में पहले नंबर पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड 3rd नंबर पर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और अगर टॉप 3 बैंक्स की बात करें जो कि मार्च बेसलाइन तक जिनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉरपोरेशन बैंक। राइट साइड में आप 6 थीम देख सकते हैं और इन 6 थीम्स के अकॉर्डिंग बैंक्स को रैंक किया गया है। ये लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन मेघालय राज्य में शुरू किया गया है। देखिए, 209 करोड़ रुपए की लागत से यह सुअर पालन मिशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कैलाश चौधरी जी ने लॉन्च किया है। NCDC इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रहा है। मेघालय के CM है कॉन्ग्रेट संगमा और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। फ्रेंड्स, SSC एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किस सिटी को कहते हैं, तो इसका आंसर है शिलोंग, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड
1.75 लाख हाउसेस बिल्ड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया। देखिए, इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपीस का 100% अनुदान दिया जाता है, जिसे केंद्र व राज्य सरकारें 60:40 के रेशो में शेयर करती हैं। ठीक है, और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसको 20 नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। और आपको पता है कि हाउसिंग फॉर ऑल टारगेट हमारे लिए है 2022 तक का। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। हरदीप सिंह पुरी जी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 को लॉन्च किया है। इस फ्रेमवर्क का मकसद सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करना है। हरदीप सिंह पुरी जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, इनके पास ये इंडिपेंडेंट चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ एरो इंडिया 21 विल बी हेल्ड एट एयरफोर्स स्टेशन येलाहनका बेंगलुरु कर्नाटका इन फेब्रुअरी 2021? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। फरवरी 2021 में एयर इंडिया स्टेशन येलाहनका बेंगलुरु कर्नाटक में एयर इंडिया 21 का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये होगा 13वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद NSDL पेमेंट बैंक टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए NSDL पेमेंट्स बैंक के साथ भागीदारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच NBFC हैज गॉट फॉरेक्स बिजनेस लाइसेंस फ्रॉम RBI? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। कैपिटल इंडिया फाइनेंस को RBI से लाइसेंस मिला है फॉरेक्स बिजनेस करने के लिए। NBFC का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, और इन्होंने इस फॉरेक्स बिजनेस के लिए अपना एक ब्रांड नेम भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है रैपी मनी। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रैपी मनी किसका ब्रांड नेम है। ठीक है, फॉरेक्स बिजनेस करने के लिए किस फाइनेंस कंपनी का ब्रांड नेम है? तो आंसर होगा कैपिटल इंडिया फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द WWF लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020, देयर हैज बीन अ रिडक्शन ऑफ व्हाट परसेंट इन द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन बिटवीन 1970 एंड 2016? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। WWF के लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1970 और 2016 के बीच वैश्विक वन्य जीवों की आबादी में 68% की कमी आई है। ठीक है, और 1970 से अब तक जो हमारे पूरे वर्ल्ड में 85% वेटलैंड्स एरिया लॉस्ट हो चुका है। लैटिन अमेरिका में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन लॉस सबसे ज्यादा पाया गया है। फ्रेंड्स, आप में कंफ्यूजन होगा कि लैटिन अमेरिका क्या है। देखिए, अमेरिकाज की वे टेरिटरीज जहाँ पर स्पेनिश, पोर्तुगीज और फ्रेंच लैंग्वेजेस ज़्यादा बोली जाती हैं, जैसे मैक्सिको, क्यूबा, पोर्टोरिको, हैती, इन सबको लैटिन अमेरिका बोला जाता है। और इसी के साथ IUCN की रिपोर्ट के अगर हम बात करें तो भारत ने अपने वेटलैंड्स का 1/3 हिस्सा अर्बनाइजेशन के रूप में खो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच PSU हैज सेट अप अ मेक इन इंडिया बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी BHEL ने बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप स्थापित किया है। देखिए, ये बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप उन आइटम्स को आइडेंटिफाई करेगा जो ये कंपनी या फिर हमारा देश बाहर से आयात कर रहा है, लेकिन उन्हें यहीं भारत में भी बनाया जा सकता है। ठीक है,
और BHEL का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। इसके CEO हैं नलीन सिंगल। विच स्टेट लॉन्च्ड अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम गरिमा फॉर सैनिटेशन वर्कर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। उड़ीसा राज्य ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना जिसका नाम गरिमा है इसकी शुरुआत की है। उड़ीसा सरकार ने ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा, उनके मान सम्मान और उनके जीवन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च की है। 50 करोड़ रुपए का फंड इस स्कीम के लिए ईयरमार्क किया गया है। उड़ीसा की 114 अर्बन लोकल बॉडीज में ये स्कीम लागू की जाएगी। सैनिटेशन वर्कर्स और उनकी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस से जोड़ा जाएगा। शिक्षण संस्थानों में प्रायोरिटी दी जाएगी। 2-व्हीलर्स खरीदने और घर बनाने के लिए गवर्नमेंट एड दी जाएगी। फ्रेंड्स, उड़ीसा राज्य की अगर बात करें तो ये राज्य वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। उड़ीसा हाल ही में कई न्यूज की वजह से चर्चा में रहा, जैसे कि उड़ीसा के गोपालपुर में बल्क ड्रग पार्क सेटअप किया जाएगा। बल्क ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला रॉ मेटीरियल। ये न्यूज हमने अपने प्रीवियस करंट अफेयर सेगमेंट में भी डिस्कस किया था, आप वहां से भी इसको डिटेल में जान सकते हैं। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के बालासोर टेस्ट रेंज या जिसे APJ अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज भी कहते हैं, यहां से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV लॉन्च किया है। इसे DRDO ने बनाया है और जुलाई महीने में इसी टेस्ट रेंज से एंटी टैंक नाग मिसाइल का भी परीक्षण किया गया था। तो ये सभी करंट अफेयर्स आप याद रखना। और उड़ीसा के जो CM हैं वे नवीन पटनायक हैं और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द सेकेंड गल्फ नेशन टू एस्टेब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। बहरीन इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला दूसरा खाड़ी राष्ट्र बन गया है। ठीक है, देखिए, बहरीन इजराइल के साथ शांति समझौता स्थापित करने वाला दूसरा गल्फ नेशन एंड फोर्थ अरब नेशन बन गया है। गल्फ नेशंस की संख्या 7 है, जिसमें बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब एंड UAE शामिल हैं। UAE ने हाल ही में इजराइल के साथ संबंध स्थापित किए हैं। ये कंट्रीज पर्शियन गल्फ से बॉर्डर बनाती हैं, इसलिए इन्हें गल्फ नेशन कहते हैं। और अगर अरब नेशन की बात करें तो इसमें 22 कंट्रीज हैं। आई होप आपको गल्फ नेशन एंड अरब कंट्रीज में डिफरेंस मालूम हो गया होगा। बहरीन की कैपिटल है मनामा और यहाँ की करेंसी है बहरीन दिनार। एक और गल्फ नेशन जो चर्चा में है वो है कतर, जिसके दोहा शहर में अफगान तालिबान शांति वार्तालाप हाल ही में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेट टीम वॉन 2020 एडिशन ऑफ द कैरिबियन प्रीमियर लीग CPL? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। कैरिबियन प्रीमियर लीग का 2020 संस्करण ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स टीम ने जीता है। ये इनका थर्ड टाइटल है ओवरऑल इनके फोर सीजन में। ठीक है, और किरण पोलार्ड इनके कैप्टन रहे हैं और ये पहली टीम बन गई है इस संस्करण में जिन्होंने एक भी मैच हारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव नंदा भारती हु वॉज द हेड ऑफ इडनीर मठ पास्ड अवे रिसेंटली, द मठ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। केशव नंदा भारती, जो कि इडनीर मठ के प्रमुख थे, का हाल ही में निधन हो गया है। यह मठ केरल राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, केशव नंदा भारती इडनीर मठ के शंकराचार्य यानी हेड थे। 19 साल की उम्र से ही वे इस मठ के हेड रहे। इनका नाम आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी में सुना होगा, केशव नंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस में। इस केस की जानकारी ले लेते हैं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और जिन्हें नहीं मालूम है इस बारे में भी वे भी इस बारे में केस को जान पाएंगे। देखिए, 21 मार्च 1970 को भारती जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इन्होंने केरल सरकार द्वारा अपने मठ की भूमि का अधिग्रहण किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। साथ ही 24वें, 25वें और 29वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया। इनका कहना था कि केरल सरकार का यह फैसला मेरे फंडामेंटल राइट्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस के अगेंस्ट है। नानी पालकीवाला ने इनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा था। इस केस में 13 सदस्य जजों की बेंच बनाई गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी जिसमें 13 सदस्य थे। फ्रेंड्स, आर्टिकल 368
पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैधता पर हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती या उसे अमेंड नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसे अमेंड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब तक प्रीएम्बल एक ही बार अमेंड किया गया है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसकी वजह से प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has declared rape a national emergency? The correct answer is option 4. Liberia ने बलात्कार को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। देखिए, यहाँ पर रेप इंसिडेंट्स काफ़ी संख्या में बढ़ रहे थे, इसलिए यहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, इसी वजह से यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज वी और कैपिटल है मोनरोविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, The United Nations Convention on International Settlement Agreements resulting from mediation is also known by which name? The correct answer is option 4. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयों में होने वाली मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि को सिंगापुर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी है जिसे सिंगापुर के नाम पर रखा गया है। इस कन्वेंशन के अप्लाई होने के बाद अब एक कंट्री दूसरी कंट्री की कोर्ट में बिजनेस डिस्प्यूट्स केसेस फाइल कर सकती है, जबकि अब तक क्या था, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ को अगर कोई भी बिजनेस डिस्प्यूट है तो उस जो दूसरी कंट्री के साथ उन्होंने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैक्ट साइन किया हुआ है उसी के हिसाब से चलना पड़ता था। इंडिया, US, चाइना समेत 53 देशों ने इस कन्वेंशन को अब तक साइन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2020 रिपोर्ट में भारत की रैंक 105 है। देखिए, ये रिपोर्ट जो लॉन्च की है वो की है फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा ने और दिल्ली बेस्ड सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने। ठीक है, भारत इसमें 26 स्थान फिसला है। पहले इसकी रैंक इसमें 79 थी और अब 105 हो गई है। हांगकांग इसमें फर्स्ट नंबर पर है और सिंगापुर इसमें सेकंड नंबर पर है। बाकी डिटेल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस फॉर द ईयर 2020-2021? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष देवेंद्र विजय दर्दा को चुना गया है। ये लोकमत मीडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, और जो ये ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द HCO मीट इंडिया एंड चाइना एग्रीड ऑन 5-पॉइंट प्लान इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। HCO बैठक के मौके पर भारत और चीन ने मॉस्को शहर में 5-बिंदु योजना पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, अच्छा, ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है, ये चल रही है मॉस्को में। HCO समिट जो चल रही है ये मॉस्को में चल रही है इन रशिया। यहाँ पर इंडिया और चाइना ने 5 पॉइंट्स पर अपने रजामंदी दी है, जिनमें कि फॉलो कंसेंसस, रेस्पेक्ट एग्रीमेंट्स, टॉक एंड स्टेप बैक, यूज डायलॉग मैकेनिज्म एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये 5 पॉइंट इसमें लिस्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी वॉज लॉन्च्ड एट विच एयरपोर्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। भारत की पहला कोरोना वायरस एयरपोर्ट परीक्षण सुविधा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में शुरुआत की गई है। ठीक है, जिनके पास कोविड का निगेटिव सर्टिफिकेट नहीं है वो भी यहाँ पर आकर अपना टेस्ट करा सकते हैं और उनको रिपोर्ट मिल जाएगी 4 से 6 घंटे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म मेकर वॉन इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। चैतन्य तमहने
ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड जीता है, और ये अवार्ड इन्हें मिला है इनकी फिल्म के लिए जिसका नाम है द डिसिपल, ठीक है। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विवेक गोम्बर, और ये 77th एनुअल वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनकी इन्हें ये इनाम मिला है, ठीक है। और ये फेस्टिवल हुआ है 2 से 12 सितंबर के बीच। फ्रेंड्स, आपको आपको ये बताना है कि वेनिस शहर ये किस कंट्री में है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि वेनिस शहर किस कंट्री में है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कंट्रीज और सिटीज जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, हिमालयन डे 9 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, हिमालयन डे की शुरुआत उत्तराखंड ने की थी 2010 से, और इस बार जो हिमालयन डे का थीम है वो है द हिमालय एंड नेचर। आपको पता ही होगा कि पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन और गर्मी के कारण जो ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, इनका हिमालय और हिमालय से जुड़े हुए जो रीजन है इन पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड 5-स्टार विलेजेस स्कीम, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 5-स्टार गांव योजना शुरुआत की है, ठीक है। देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, तो यहाँ ऑप्शन में आपको 4 मिनिस्ट्रीज भी दिए जा सकते हैं, जिनमें एक आपको ऑप्शन होगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अच्छा, इस स्कीम के अंदर क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 5 स्कीम्स हैं जो आप देख भी रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, इन स्कीम्स को जो इंटीरियर विलेजेस हैं, जो दूर दराज के गांव हैं, वहां तक पहुंचाना है, ठीक है। इसके लिए स्ट्रेटजी बनाई गई है, जैसे कि एक डेडिकेटेड टीम बनाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स ये सब बिल्डअप किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी स्टाफ को, कैंपेन डोर टू डोर कैंपेन कराए जाएंगे, सर्विसेज कैसी चल रही है उसको मॉनिटर किया जाएगा, बाद में उसकी आप एक रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट्स भी होगा आपने क्या क्या इसमें पाया है, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन है संजय धोत्रे, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ इंडिया फर्स्ट एंड इंडिया सेकेंड किसान रेल वॉज फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन विच टू सिटीज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दक्षिण भारत की पहली और भारत की दूसरी किसान रेल नई दिल्ली से अनंतपुर के बीच चलाई गई है, ठीक है। देखिए, अनंतपुर है आंध्र प्रदेश में, और इस ट्रेन का उद्घाटन किया है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने, और आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने। ये किसान रेल इसलिए चलाई जा रही है ताकि जो भी किसान अपना प्रोड्यूस करते हैं, एग्री प्रोड्यूस जो करते हैं, उसको कम समय में यानी जल्द से जल्द उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि रोड के थ्रू अगर ये सामान पहुंचाया जाए तो काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। और आपको बता दें, ये डेटा आप याद रखना, आंध्र प्रदेश जो है टोमेटोज, कोकोनट, पपाया एंड चिलीज देश में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आंध्र प्रदेश है इन आइटम्स का, ठीक है। और 7 अगस्त को पहली किसान रेल चली थी, जो कि देवलाली जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से चली थी ये दानापुर बिहार तक, ठीक है। तो फर्स्ट किसान रेल और सेकंड किसान रेल, ये दोनों आप याद रखना, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जुल्फिकार 99 आर्मी ज्वाइंट ड्रिल वॉज कंडक्टेड बाय विच कंट्री, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, जुल्फिकार 99 सेना संयुक्त ड्रिल का संचालन ईरान देश द्वारा किया गया है। ईरान की इस जुल्फिकार 99 ज्वाइंट ड्रिल में आर्मी, नेवी, एयर फोर्स एंड एयर डिफेंस फोर्स ने पार्टिसिपेट किया। ये ज्वाइंट ड्रिल मुख्यतः हिंद महासागर में कंडक्ट की गई। फ्रेंड्स, ईरान की कैपिटल तेहरान है, यहाँ की करेंसी है ईरानियन रियाल, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन रोहानी। ईरान, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की एंड इराक से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ईरान हाल ही में एक और कारण से न्यूज़ में है, इसने अपने देश के रेसलर नावीद अफगारी को फांसी की सजा दी है। नावीद अफगारी पर साल 2018 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का आरोप लगा था, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द US ओपन मैन सिंगल्स टाइटल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3,
यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब डोमिनिक थीम ने जीता है। डोमिनिक थीम ने यह टाइटल अलेक्जेंडर ज्वेरवे को हराकर जीता है। डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर हैं और इनकी करंट रैंकिंग है 3rd। फ्रेंड्स, ग्रैंड स्लैम्स की अगर बात करें तो 4 तरह के कॉम्पिटिशन्स इसमें होते हैं। 1st ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। इसके बाद फ्रेंच ओपन आता है, जो कि क्ले यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, इसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। विंबलडन 3rd ग्रैंड स्लैम है, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इस साल ये टूर्नामेंट कैंसिल कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। ये टूर्नामेंट इंग्लैंड में खेला जाना था। साल के अंत में आता है यूएस ओपन, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंड्स, विंबलडन टूर्नामेंट इन सभी में ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंधाना हैव बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को प्लेयर स्पोर्ट स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, इसी तरह की एक और न्यूज मैं आपको बताता हूँ। WTF स्पोर्ट्स ने भी इंडिया में अपनी गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया है हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को। ये 7 अगस्त की करंट अफेयर्स है, ये यहाँ से आपका रिवाइज भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज WHO पैनलिस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। WHO पैनलिस्ट के रूप में प्रीति सुडान को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, WHO ने एक पैनल बनाया है, पेंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स यानी IPPR। इसमें 11 पैनलिस्ट हैं, जिसमें प्रीति सुडान, जो कि भारत की पूर्व स्वास्थ्य सचिव रह चुकी हैं, इन्हें भी जगह दी गई है। इसी से रिलेटेड मई 2020 का भी एक करंट अफेयर है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी को WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश नारायण सिंह हु हैज बीन री इलेक्टेड एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ विच पार्टी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। हरिवंश नारायण सिंह, जिन्हें राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, ये JDU पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। फ्रेंड्स, इस बार राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन यानी उपसभापति के लिए NDA कैंडिडेट हरिवंश नारायण जी ने UPA कैंडिडेट और RJD नेता मनोज झा को वॉइस वोट यानी ध्वनि मत से हराया। ये दोनों ही बिहार से राज्यसभा सांसद हैं। हरिवंश जी इस पद पर दूसरी बार चुने गए हैं। फ्रेंड्स, SV कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले डिप्टी चेयरमैन थे। डिप्टी चेयरमैन का पद राज्यसभा चेयरमैन पद से नीचे का नहीं होता है, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि चेयरमैन के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द US ओपन विमेंस सिंगल्स टाइटल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। US ओपन महिला एकल खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए विक्टोरिया अजरेनका को हराया है। फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन इस तरह भी निकल जाता है कि नाओमी ओसाका ने US ओपन विमेन सिंगल टाइटल किस प्लेयर को हराकर जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 2nd सैटरडे ऑफ विच मंथ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, और इस साल ये डे आपका मनाया गया 12 सितंबर 2020 को, और इसका थीम रहा फर्स्ट एड सेव्स लाइफ। इस दिन को सबसे पहले इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने सन 2000 में मनाया था। IFRC यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जगन चैपगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। दक्षिण दक्षिण सहयोग 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 12 सितंबर को मनाया गया। फ्रेंड्स, साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग
डेवलपिंग कंट्रीज के आपस में सहयोग करने को लेकर एक प्रतिबद्धता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों यानी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दक्षिण शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था और उत्तर शब्द विकसित यानी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कार्ड लॉन्च्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। मास्टर कार्ड ने सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं का परीक्षण मंच लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल ऑब्जर्व नेशनल वार्निंग डे और वॉर्न टैग एवरी ईयर ऑन सेप्टेंबर 10। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। जर्मनी हर साल 10 सितंबर को राष्ट्रीय चेतावनी दिवस या वॉरंगटांग मनाएगा। यह नेशनल वार्निंग डे इसलिए मनाया जाएगा ताकि लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके कि नेशनल इमरजेंसी के समय किस तरह से आपको तैयार रहना है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ की चांसलर हैं एंजेलिना मर्केल। फ्रेंड्स, जर्मनी के अपर हाउस को कहते हैं बुंदेशरात और यहाँ के लोअर हाउस को कहते हैं बुंदेशटैग। यहाँ का एक काफ़ी फेमस रीजन है रूर वैली, क्योंकि यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डेवलप्ड हुई हैं। इसी से रिलेटेड एसएससी में कई बार ये एसएससी और कुछ स्टेट्स के पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का रूर किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दामोदर वैली रीजन को, क्योंकि यहाँ पर भी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड आयुष्मान खुराना एज इट्स सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। देखिए, ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया है यूनिसेफ द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, ठीक है, और ये फाउंड हुआ था 11 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन इज रीनेम्ड एज श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन कर्नाटक में है। कर्नाटक के सीएम है बीएस येदुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला और यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु। ठीक है फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला से बॉर्डर शेयर करता है। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया था। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेज हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।